एवरीवन वेलकम बैक तो इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन आइसोमेरिज्म लास्ट लेक्चर में टोटली totally हमने डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म के बारे में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में अब इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन मिक्स है जिसमें पांचों तरह के आइसोमेरिज्म कवर है ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये थ्री कंपाउंड्स गिवन है और आपको कमेंट करना है कौन सा ये कौन से आइसोमर्स है कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं ठीक है थीके? तो गौर से देखो यहाँ पर एन टू है यहाँ पर एन एच है और यहाँ पर ओनली नाइट्रोजन है ठीक है अगर आप इनके मॉलिकुलर फॉर्मूलाज देखोगे वन टू थ्री कार्बनस है एक नाइट्रोजन है बाकी हाइड्रोजनस भी क्या है सेम है तो इनके जो मॉलिकुलर फॉर्मूलाज है वो सेम है बट डिफरेंट क्या है वो चीज़ आपको देखनी है क्योंकि आइसोमर्स में क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूलाज सेम होने चाहिए तो वो तो है अब देखो यहाँ पर एन एच टू है एन एच टू से एक कार्बन अटैच्ड है दैट मीन्स ये क्या है ये है वन डिग्री अमीन ठीक है ये है वन डिग्री अमीन अगर आप इसको देखोगे नाइट्रोजन से दो कार्बन अटैचड है और ये है टू डिग्री अमीन ठीक है और ये है थ्री डिग्री अमीन अब ये जो वन डिग्री टू डिग्री एंड थ्री डिग्री अमीन्स है इन्हें हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लेके ठीक है अब आप ये नहीं कह सकते कि ये सारे अमीन्स हैं ये सेम फंक्शनल ग्रुप है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यहां पर ये वन डिग्री है यहां पर ये टू डिग्री अमीन है और यहां पर ये थ्री डिग्री अमीन है ठीक है तो ये क्या हो गए ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो गए तो ये कौन सा आइसोमर्स है कौन सी आइसोमैरिज्म शो हो रही है कंपाउंड्स विथ सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स उनको कहते हैं हम फंक्शनल आइसोमर्स तो ये तीनों क्या है फंक्शनल आइसोमर्स है क्योंकि इनमें क्या है डिफरेंस ओनली फंक्शनल ग्रुप का है क्योंकि यहाँ पर वन डिग्री अमीन है यहाँ पर टू डिग्री अमीन है और यहाँ पर थ्री डिग्री अमीन है ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सेकेंड में देखो ये दोनों हैं तो इसके जो मॉलिकुलर फार्मूलाज से वो चेक करो बिल्कुल सेम है ठीक है दो कार्बन से यहाँ पर भी दो कार्बन से और यहाँ पर फोर हाइड्रोजन से यहाँ फोर हाइड्रोजन से और दोनों में एक एक ऑक्सीजन है देखो सबसे पहला काम ये रहता है कि मोलिकुलर फार्मूला आपको चेक करना है दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूलाज सेम है तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या लग रहा है अब आप देखोगे देखो यहाँ पर वो प्रायोरिटी वाली बात आ गई जो मैं आपको कह रही थी ना कि वो प्रायोरिटी वाली चीज़ें की प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको करवाया है वो यहाँ पर आपको काम आने वाला है देखो एक चीज है यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर एक ग्रुप है इस तरह का सी ओ और एच लगा है ठीक तो है तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है ठीक है और ये कार्बोनाइल कार्बन है और अगर आप यहाँ पे ओ एच OH देखोगे इस पे तो यहाँ पर एल्कोहल है अब आप कहोगे इन दोनों में मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है पर इसमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ओ OH एच है एल्कोहल और यहाँ पर क्या है एल है तो आप कहोगे कि यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर्स ये दोनों होने चाहिए पर ऐसा नहीं होता चलो ठीक है मान लिया कि आपको लग रहा है कि ये फंक्शनल आइसोमर है लेकिन क्या ये टोटोमर्स नहीं है टोटोमर्स क्या होते हैं उनमें अल्फा हाइड्रोजन का अगर ये सिस्टम वन थ्री है जैसे वन टू और थर्ड ठीक है ये अल्फ़ा कार्बन है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन से प्लस ये एस पी थ्री हाइब्रिड एस है क्योंकि थ्री प्लस वन फोर बॉन्ड्स ये फोर सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है तो इसका कार्बन एस पी थ्री हाइब्रिडाइस पी है और इसके जो कार्बन है अल्फ़ा कार्बन है तो हाइड्रोजन्स क्या हुए अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हुए तो यहाँ से क्या होता है ये जो हाइड्रोजन है वो चला जाता है अगर ये हाइड्रोजन है वो यहाँ पर अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दे देगा एच पॉजिटिव निकल जाता है और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर हो जाती है हाइड्रोजन यहाँ पर जाता है ओ OH बनाता है और साथ ही यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है तो क्या ये टोटोमैरिज्म नहीं है अब आप कहोगे मैम टोटोमैरिज्म भी लग रहा है और ये फंक्शनल आइसोमर भी लग रहे हैं तो हमने क्या ट्रेंड किया था कि पहले टॉटोमर्ज आते हैं फिर फंक्शनल आइसोमर्स आते हैं फिर मेटा मर्ज आते हैं ठीक है थीके? कैसे लर्न किया था टिफिन में चार परांठे ठीक है पोजीशन आइसोमर की प्रायोरिटी सबसे कम है तो ऐसे केसेस के लिए ठीक है जहां पर आप कंफ्यूज हो जाओ जहां पर दोनों पॉसिबिलिटी आपको लग रही है बिल्कुल यहां पर दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है ठीक है आपको लग रहा है कि फंक्शनल आइसोमर्स हो सकता है वहां पर आप ये प्रायोरिटी वाला ट्रेंड यूज़ करते हो कि दोनों चीज़ें लग रही है पर आप क्या कहोगे कि ये टॉटोमर्स है ठीक है समझ आया वो जो प्रायोरिटी ऑर्डर करवाया था उसका काम कहाँ है देखो यहाँ से हमें समझ आए ये टोटोमैरिज्म हो रही है क्योंकि टोटोमैरिज्म में क्या होता है जो हाइड्रोजन होता है वो माइग्रेट करता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ विद इन अ सेम मॉलिक्यूल विद इन द सेम मॉलिक्यूल ये माइग्रेशन होता है और इस तरह से ये दोनों क्या है ये दोनों है टोटोमर्स ठीक है आया समझ ओके नाउ इसमें आप देखो यहाँ पर अगर आप एक लुक में बोलोगे ना तो शायद आप में से कई बच्चे ये कहेंगे कि मैम ये तो हमारा पोजीशन आइसोमर्स है कि ओ एच यहाँ पर लगा है और यहाँ पर ओ एच पीछे लगा है लेकिन बच्चों बिल्कुल इसे ध्यान से देखो क्या करना होता है मैंने आपको कहा है पोजीशन और चेन आईसो में पहले आप पेरेंट चेन को रिकगनाइज़ करो उसी के बाद कोई कॉमेंट करो ठीक है यहाँ पर जो पेरेंट चेन है आपकी वो क्या है वन टू थ्री फोर कार्बन वाली है ये वाली ठीक है ये समझ आ गया अब यहाँ पर देखो यहाँ पर पेरेंट चेन कौन सी होगी ऑब्वियसली जहाँ से ओ OH एच नियर है फंक्शनल ग्रुप नियर है वन टू और थ्री तो ये तो थ्री कार्बन की पेरेंट चेन है और यहाँ पर फोर कार्बन की पेरेंट चेन है तो ये क्या है ये पोजीशन आइसोमर्स तो बिल्कुल भी नहीं है और प्लस सबसे पहले हम इसमें मॉलिकुलर फॉर्मूलाज चेक करते हैं वो हमने चेक किया यहाँ पर फोर कार्बनस है यहाँ पर भी फोर कार्बन है यहाँ पर ओ OH एच है यहाँ पर ओ OH एच है हाइड्रोजन सोनो के सेम है तो यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूलाज तो सेम है बट यहाँ पर इनकी पेरेंट चेन में क्या है डिफरेंस है तो आप क्या करोगे आपको लग रहा है कि ये शायद वो हो सकता है पोजीशन आइसोमर्स होता है तो लेकिन पोजीशन आइसोमर अगर आपको थोड़ा सा लगे कि शायद ये हो सकता है तो उससे पहले आपने पेरेंट चेन को देखना है पेरेंट चेन क्या होती है जो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं ना उसमें सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस होता है किसी ग्रुप का बाकी जो आपकी पेरेंट चेन होती है ना दोनों में सेम होती है इस बात का आप ध्यान रखना ठीक है जो पेरेंट चेन होती है दोनों में सेम होती है कोई डिफरेंस नहीं होता सिर्फ जो ये जैसे ग्रुप लगा है ओ OH, एच उसका डिफरेंस होना था ठीक है मान लो कि दूसरा क्या बनता है यहाँ पर ओ OH एच लगा देते लास्ट में ओ OH एच लगा देते एक और कंपाउंड होता तब वो कहा जाता कि पोजिशन आइसोमर है क्योंकि पेरेंट चेन सेम है अब दोनों में पेरेंट चेन ही डिफरेंट है तो ये पोजिशन आइसोमर्स नहीं है तो कौन से आइसोमर्स है वो कंपाउंड्स जिनमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है और जो पेरेंट चेन है वो डिफरेंट होती है या फिर ये आप कह सकते हो कार्बन का स्केलेटन डिफरेंट होता है वो कहलाते हैं चेन आइसोमर्स तो ये दोनों क्या हो गए आपस में चेन आइसोमर्स ठीक है तो ये है चेन आइसोमर्स ओके अब ये वाला देखो क्वेश्चन अब इसमें आपको क्या करना है पहली बात की चेक करो जरा कि इसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है वन टू थ्री फोर कार्बन एन एच एन एच सेम है वन टू थ्री फोर कार्बन ठीक है ठीक है मोलिकुलर फार्मूला सेम है देख लेना अब देखो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी के केस में कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा वो दोनों में अगर सेम है तो देखो कि मैटामर्स तो नहीं है ठीक है तो मैटामर्स में हम क्या करते हैं फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेम होता है दोनों कंपाउंड्स में तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो एन एच है ठीक है वो क्या है वो बिल्कुल सेम है दोनों में तो हम चेक करेंगे क्या ये मैटामर्स है मैटामर्स कौन से होते हैं जो सेम फंक्शनल ग्रुप होता है मतलब जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके इधर उधर ग्रुप्स लगे होते हैं तो वो जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जैसे कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे वन टू कार्बन की चेन है वन टू कार्बन्स है यहाँ पर ठीक है इधर टू कार्बन है तो इधर वन टू थ्री कार्बन है ठीक है वैसे ही दूसरी साइड यहाँ पर वन टू कार्बनस है और यहाँ पर ओनली वन कार्बन है यहाँ पर टू कार्बन है तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोनों ही कंपाउंड्स के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है फंक्शनल ग्रुप्स भी सेम हैं बट उनके जो लेफ़्ट और राइट right साइड पे जो उनकी ब्रांचेस है वो क्या है वो डिफरेंट ग्रुप्स वहाँ पर लगे हैं तो ऐसे केसेस में हम दोनों कंपाउंड्स को क्या कहेंगे दीज आर मैटामर्स क्या है मैटामर्स है और मेटामैरिज्म ये शो करते हैं ठीक है तो मेटामेरिज्म का ट्रिक क्या है मेटामर्स के लिए ट्रिक क्या होता है फंक्शनल ग्रुप जहां पर सेम आ रहे हैं तो सबसे पहले चेक करो मेटामर्स के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोनों के जो मोलिकुलर फॉर्मूलाज है वो बिल्कुल सेम है दोनों में सिक्स कार्बन है वन ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन्स के नंबर भी बिल्कुल सेम है आप चेक कर लेना ठीक है तो मोलिकुलर फॉर्मूलाज सेम है तो ये कौन से आइसोमर्स हो गए ना ही इनमें सेम तरह के फंक्शनल ग्रुप है तो मेटामेरिज्म हम चेक नहीं कर सकते ठीक है ना ही इन में क्या है ना ही इनमें हम वो देख सकते हैं टोटोमेरिज़म देख सकते हैं क्योंकि कहीं पर भी वन थ्री सिस्टम हमें नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर एक में तो डबल पॉन्ड होना चाहिए ना टोटोमेरिज्म में तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है तो हम चेक करेंगे कि क्या है ये यह? यहाँ पर अल्कोहल है ओ एच मीन्स यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप है और यहाँ पर ये यह कौन सा ग्रुप है ये अल्कोहल है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर क्या है यहाँ पर ईथर है ये आर ओ आर ठीक है ऑक्सीजन के साथ अगर दो बॉन्ड्स है इधर उधर तो उसे हम कहते हैं ईथर ठीक है इथर, तो ये ईथर है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का तो ये कहलाए जाएगी फंक्शनल आइसोमर्स क्या हो गए फंक्शनल आइसोमर्स है ये दोनों ठीक है अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर मॉलिकुलर फॉमूला चेक करो वन टू थ्री फोर कार्बन वन टू थ्री फोर कार्बनस और इनके जो हाइड्रोजन से आप चेक करोगे तो बिल्कुल ये सेम आएंगे ठीक है दोनों ही सी फोर एच सिक्स है तो ये तो है वन थ्री ब्यूटाडाइन ठीक है तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है अब कैसे करोगे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो ये डबल और ट्रिपल होता है ना ध्यान रखना बेशक हम जो आई यू पी एस सी नॉमिन क्लेचर में इन्हें एज सब्सटिट्यूंट लेते हैं लेकिन ये क्या होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप्स में आते हैं ठीक है ठीके? हमेशा ध्यान रखना डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स में तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या है फंक्शनल ग्रुप्स है जो कि डिफरेंट है यहाँ पर यहाँ पर भी डिफरेंट है तो ये हो गए फंक्शनल आइसोमर्स ठीक है क्या हो गए ये फंक्शनल आइसोमर्स तो ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है अगर इस तरह से आते हैं तो ये आते हैं अंडर फंक्शनल आइसोमर्स क्योंकि डबल और ट्रिपल को हम फंक्शनल ग्रुप्स ही मानते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन में देखो जरा पहला काम क्या करना है फंक्शनल uh, जो उनके फॉर्मूला है मोलिकुलर फॉर्मूला वो चेक करने हैं वन टू थ्री फोर ठीक है यहाँ पर सी फोर कार्बन फोर है यहाँ पर कितने हैं वन टू थ्री फोर ठीक है One, two, three, तो यहाँ पर भी क्या है कार्बन फोर है दोनों में ही आपके पास क्या है फोर नंबर ऑफ कार्बन्स है और ऑक्सीजन क्या है एक एक ऑक्सीजन है यहाँ पर और अगर आप देखोगे हाइड्रोजन्स के नंबर वो भी सेम गए ठीक है थ्री और थ्री यहाँ पर होगे सिक्स और सेवन एट तो हाइड्रोजन यहाँ पर है एट और यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन के नंबर्स देखोगे टू यहाँ पर है ठीक है टू यहाँ पर है फोर और यहाँ पर एक है तो ये हो जाएगा फाइव और ये हो जाएगी सिक्स सेवन और एर्ट है ये वाला ठीक है तो ये बिल्कुल सेम है मोलिकुलर फार्मूलाज इनके बिल्कुल सेम है अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है यहाँ पर ओ OH है और यहाँ पर क्या है आपका यहाँ कीटोन है तो डिफरेंस इनमें है फंक्शनल ग्रुप्स का तो ये कहलाए जाएगी फंक्शनल आइसोमर्स क्योंकि मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है बट यहाँ पर क्या है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम है अब आप सोचोगे क्या टोटोमेरिज्म नहीं हो सकता था तो टोटो में क्या होता है कि वहां पर क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड पास में होना चाहिए इसके ओ एच में जैसे वन थ्री सिस्टम में था अब देखो ये तो कितनी दूर है ये तो हो ही नहीं सकता अगर हम यहाँ या फिर यहाँ से टोटोमराइज भी कर लेते तो यहाँ पर ओ एच होता तो इधर या इधर बॉन्ड होना चाहिए था तो ओ एच के यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तब हम सोचते कि वो टोटोमेरिज्म में गया है बट ऐसा नहीं है तो ये फंक्शनल आइसोमर्स ही हो गए ठीक है अब ये वाला एग्जाम्पल देखो जरा दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि यहाँ पर ठीक है डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पर ओ OH एच है साथ ही साथ ओ OH एच के साथ यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी नज़र आ आ रहा है ठीक है तो ऐसे केसेस में हम सोचेंगे कि ये टोटोमैरिज्म हो रहा है कि क्योंकि टोटोमेरिज्म में क्या होता है हाइड्रोजन जब माइग्रेट करता है तो वो डबल बॉन्ड बना देता है जहाँ पर ओ OH बनना होता है ठीक है तो अब यहाँ पर कैसे करोगे अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ है अल्फ़ा पोजिशन ये भी है लेकिन यहाँ पर दोनों सब्सटिट्यूंट्स से बाकी भी यहाँ पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो इसी साइड पे क्या है अल्फ़ा हाइड्रोजन दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस तरह से ठीक है अल्फ़ा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन क्या करते हैं इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है एच पॉजिटिव यहाँ पर माइग्रेट करता है तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन तो थर्ड पोजीशन से एच पॉजिटिव माइग्रेट करता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन और ये बना लेता है ओ OH एच और यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड की फॉल हुई थी यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड दैट मीन्स ये क्या है ये टोटोमर्स है तो यहाँ पर क्या है ये वाले टोटोमर्स हो गए ठीक है ये है टोटोमर्स तो आपको कैसे देखना है खासकर ये जो कार्बोनाइल वाला होता है वहां पर आपको ओ ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड कभी भी आ जाए तो समझ लेना कि कहीं टोटोमैरिजम हो रही है ठीक है चेक कर लेना अब इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे यहाँ पर मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है वन टू थ्री फाइव फाइव कार्बन्स वन टू थ्री एंड फाइव कार्बन्स ठीक है तो यहाँ पर क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बाकी भी ऑक्सीजन एक एक है और हाइड्रोजन्स भी सेम होंगे ठीक है मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों कंपाउंड्स के सेम है अब आप सोचोगे कि यहाँ पर ये तो ईथर है तो जब इस तरह के देखो एक ना ट्रिक होती है क्वेश्चन को करने की तो यहाँ पर जो टॉटोमेरिज्म है वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कहीं पर भी ओ OH एच के साथ अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो एक बार टॉटोमेरिज्म में जाके चेक कर लो ठीक है और मेटामैरिज्म में मैंने क्या बताया था जैसे यहाँ पर एनएच वाला एग्जाम्पल था तो यहाँ पर ये ट्रिक था कि दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप्स हो वो सेम होते हैं और कैसे होते हैं ब्रिजिंग टाइप के होते हैं जिनकी दोनों साइड से क्या होती है आर्म्स होती है कनेक्शंस होते हैं ठीक है ठीके? वैसे ही ईथर्स इनमें से है ईथर्स के क्या होते हैं इथर इस तरह का होता है ऑक्सीजन इधर से भी कनेक्टिविटी है कोई एल्काइल ग्रुप है और दूसरी साइड से भी है अगर आप यहाँ पर देखोगे नीचे वाले को देखो फंक्शन इनके जो वो है फॉर्मूलाज है वो तो सेम है अब यहाँ पर आप देखोगे वन टू थ्री थ्री कार्बन की यहाँ पर थ्री कार्बन की वन टू थ्री कार्बन की एक चेन लगी है अगर आप आप ऊपर इसी साइड पे देखोगे तो यहाँ पर क्या है वन टू और थ्री यहाँ पर भी थ्री कार्बन की चेन है लेकिन मैंने आपको करवाया है कि जो ब्रांच एल्केन्स होते हैं एल्काइल्स होते हैं और जो लीनियर एल्काइल्स होते हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं वो भी डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर है हमारे पास ब्रांच ये है बेशक ये थ्री कार्बंस की है लेकिन ये ब्रांच है और ये है नॉर्मल मतलब ये है लीनियर ठीक है तो यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया और यहाँ पर क्या है ये एक कार्बन है ये एक कार्बन है ठीक है बेशक यहाँ पर क्या है वन वन कार्बन है लेकिन दूसरी साइड पे जो ब्रांचेस है जो आपकी कनेक्टिविटी है ऑक्सीजन से वो डिफ़रेंट है ठीक है तो ये दोनों किस तरह के आइसोमर्स होंगे इनका नाम क्या होगा इनका नाम हो जाएगा मेटामर्स मेटामर्स इनका नाम होगा और ये कौन सा फिनोमेना शो कर रहे हैं मेटामेरिज्म ठीक है तो मेटामर्स में क्या हमारा ट्रिक था कि जो फंक्शनल ग्रुप्स हो गए जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स हो गए वो सेम होंगे और कैसे हो गए जो ब्रिजिंग है इधर उधर जिनके लगने की जगह है ठीक है कनेक्टिविटी की जगह है जैसे ये इथर हो गया अमीन्स हो गए ठीक है टू डिग्री अमीन्स हो गए अब यहाँ पर क्या है जो मेटमर्स होते हैं वहाँ पर जो हर एक साइड होती है कंपाउंड्स की ईच साइड वो क्या होती है दोनों में से एक साइड क्या होती है वो डिफरेंट होती है ठीक है यहाँ पर वन कार्बन है वन कार्बन है डिफरेंस नहीं है लेकिन दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ही कंपाउंड एक दूसरे से डिफर है क्योंकि यहाँ पर ब्रांच्ड वाली आपने एल्काइल लगाई है यहाँ पर नॉर्मल वाली अल्काइल लगाई है बेशक कि इनके जो कार्बन के नंबर्स है वो सेम है ठीक है लेकिन जो ब्रांच्ड एल्काइल होती है और जो नॉर्मल अल्काइल होती है उनमें डिफरेंस होता है तो ये यह यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं सो दीज आर मेटामर्स ठीक है so metamers, अब यहाँ पर देखो कार्बन का नंबर देखना ज़रा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन का नंबर यहाँ पर सिक्स है यहाँ पर देखो वन टू थ्री फोर फाइव ओ माय गॉड ये क्या है कार्बन फाइव ही है तो ये तो बिल्कुल ही हमारा क्वेश्चन पहले ही रुक गया यहाँ पर क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो देखो ये तो बाद वाली बातें हैं कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये वाला है सी ओ है कीटोन है यहाँ पर एल्डिहाइड है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है वो कंपाउंड्स जिनके मोलिकुलर फॉर्मूलाज सेम हो और उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी uh, जो है वो डिफर हो तो यहाँ तो जो पहला ही क्राइटेरिया है वही आउट हो गया क्योंकि इनके मोलिकुलर फॉर्मूलाज क्या है सेम नहीं है तो ये क्या है दीज आर नॉट आइसोमर्स नॉट आइसोमर्स ठीक है वो तो बाद वाली बातें हैं कि कौन सा आइसोमर है पर ये क्या है ये तो आइसोमर ही नहीं है क्योंकि जो मॉलिकुलर फॉर्मूलाज है वो डिफरेंट है ठीक तो है तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो एकदम से यही मत फोकस किया करो कि फंक्शनल ग्रुप क्या है क्या नहीं है पहले चेक तो कर लिया करो कि यहाँ पर क्या है इसका जो फॉर्मूला है वो सेम भी है या नहीं है ठीक है तो ऐसे आपको ट्रिक कर सकते हैं क्वेश्चंस में यहाँ पर देखो ये वाला है वन टू थ्री फोर फोर कार्बन्स वाला है ये है वन टू थ्री फोर कार्बन वाला ऑक्सीजन सेम है हाइड्रोजन के जो नंबर है वो काउंट कर लेते हैं यहाँ पर थ्री है थ्री है सिक्स सेवन एट हो गया ठीक है यहाँ पर कितना है थ्री है थ्री प्लस टू हो गए यहाँ पर फाइव सिक्स और ये हो गए सेवन एट तो एट एट दोनों जगह है तो एट कार्बन एट हाइड्रोजन दोनों साइड है तो इनके जो मोलिकुलर फॉर्मूलाज है वो दोनों के सेम है ठीक है अब यहाँ पर मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन ये आइसोमर्स कौन से हैं अगर आप देखोगे यहाँ पर ओ OH एच के साथ डबल बॉन्ड है तो मैंने क्या कहा है आपसे कि चेक करो फॉर टोटोमैरिज्म और यहाँ पर क्या होता है अगर आप देखोगे टोटोमैरिज्म कैसे होता है यहाँ पर किसी भी साइड से आप कर सकते हो सिंस यहाँ पर इस साइड डबल बॉन्ड है तो ये वाला ही अल्फा हाइड्रोजन लोगे वो यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा ये ऊपर जाएगा ओ OH एच बनेगा सो दीज आर टोटोमर्स टोटोमर्स ठीक है ये है टॉटमर्स अब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं तो ये क्या है ये है वन टू थ्री थ्री कार्बन्स वन टू थ्री कार्बन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मोलिकुलर फॉर्मूलाज आर सेम बट यहाँ पर कैसे ग्रुप्स हैं लगे हुए तो यहाँ पर आप देखोगे ये है एक कीटोन ठीक है सॉरी ये है एक एल्डिहाइड एल्डिहाइड क्या होता है सी एच ओ होता है और कीटोन क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ और दोनों साइड से कनेक्टेड रहते हैं कार्बन ठीक है तो यहां पर क्या है दिस इज एल डी हाइड एंड दिस इज किटोन बाकी का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप में एक जगह एल्डीहाइड है दूसरी जगह किटोन है सो दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स ठीक है अब ये देखना वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन की चेन है यहाँ है वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन की चेन ठीक है और यहाँ पर जो आप देखोगे मोलिकुलर फॉर्मूला वो भी सेम है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स भी दोनों में सेम है सो मोलिकुलर फार्मूलाज दोनों के सेम है बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है देखो यहाँ पर कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं लगा है कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है बट अगर हम पेरेंट चेन की बात करें हम हमेशा पहले देखेंगे कि पेरेंट चेन क्या है तो यहाँ तो पेरेंट चेन यही है जो स्ट्रेट जा रही है वन टू थ्री फोर एंड फाइव वाली ठीक है एंड यहाँ पर क्या देखेंगे लॉन्गेस्ट देखेंगे लॉन्गेस्ट कौन सी है ऑब्वियसली ये जो स्ट्रेट जा रही है वन टू एंड थ्री तो ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ पर अगर आप देखोगे पेरेंट चेन में फाइव कार्बनस है लेकिन इस वाले कंपाउंड में पेरेंट चेन में ओनली थ्री कार्बनस है तो दोनों में मोलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन ये जो पेरेंट uh, चेन है उसमें डिफर करता है तो जो कंपाउंड्स मोलिकुलर फॉर्मूला जिनके सेम होते हैं बट वो डिफर करते हैं चेन में या फिर कार्बन स्केलेटन, दोनों का ही डिफर है तो ये कहलाते हैं चेन आइसोमर्स क्या है ये चेन आइसोमर्स है वैसे भी इसका नाम क्या है एन पेंटेन वन टू थ्री फोर फाइव क्योंकि ये क्या है स्ट्रेट वाला है लीनियर है और ये क्या है वन टू थ्री फोर फाइव वाला है फ्लावर सा बन रहा है तो इसे क्या कहते हैं न्यू पेंटेन ठीक है इनके ये कॉमन नेम्स है तो ये न्यू पेंटेन है ये आइसो पेंटेन सॉरी ये है एन पेंटेन ये है न्यू पेंटेन तो ये क्या है चेन आइसोमर्स है क्योंकि दोनों में जो पेरेंट चेन है उसी का ही डिफरेंस है बाकी इनके फॉर्मूला सेम है तो ये कुछ एक हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे ऑन आइसोमेरिज्म आई होप इसे आपको जो कंसेप्ट है आइसोमेरिज्म का वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर से हम अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ एक बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाय बाय